大丈夫ですか。खाना, वाईफाई, केबल सब कुछ उसके अंदर मिलेगा। एक छोटा सा हिस्सा है सर हमारा बीच में। हाँ, छोटा नहीं बड़ा। फिर एक ये है, ये 200-300 जो बहुत नीचे जो गरीब बच्चे आते हैं ऑडिशन। हाँ, अंदर से सर देखा देखा सर मालूम है कैमरास सब में अटैच बाथरूम है।
ये सबके अलग अलग लॉकर्स हैं, जिस तरह से बीबी हाउस की ओपन हुई है और आपके हाथों की वजह से क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे सबसे पहले आप बीबी हाउस के ऑनर? बीबी हाउस की जो ओनर है उन्होंने आज जो शुरुआत की है, मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि दिस इज द नाइसेस्ट अप्रोच टुवर्ड्स ऑल दिस जो पॉजिटिव थिंग्स है उसकी तरफ, ये सबसे सकारात्मक उनकी पहल है। जब मैंने ये देखा आश्चर्य इस बात का लगा कि somebody is caring for the newcomers, जो स्ट्रगल करते हैं, जो स्ट्रगलर्स हैं उनके लिए अगर कोई सही में इतना केयर कर सकता है, ये मेरे लिए बहुत अचंभे की बात थी, आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ का ख्याल रखा। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है 200 रुपीज़ में भी रहना, और रहना भी इतनी अच्छी तरह से कि कल्पना नहीं कर सकता आदमी, दूसरी बात उसके खाने का या कोई जो इंतज़ाम है वो इतना कम इसमें और अच्छी क्वालिटी का, तो इसका मतलब ही इज़ केयरिंग फॉर एवरीथिंग, और ये अप्रोच बहुत कम लोगों में दिखाई देता है। इसीलिए मैं हृदय से उनको शुभकामनाएं देता हूँ, और ये अप्रोच के कारण निश्चित रूप से सबकी प्रगति होगी और उन्हें सबके आशीर्वाद भी लगेंगे, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। अगर हम इस लोकेशन की बात करें अंधेरी की, जो लोकेशन है यहाँ पर खास करके जितने भी बॉलीवुड स्टारर होते हैं जो अपने घर को, अपने देश को, अपनी जगह को छोड़कर दूसरे स्टेट में, यहाँ महाराष्ट्र आते हैं, मुंबई स्टार बनने, तो आपके पास ऐसे बहुत सारे केसेस भी आते होंगे, तो आपको क्या लगता है उनको देखते हुए कि इस तरह के बीबी हाउस या इस तरह का लोगों को जरूरत थी और ये सही कदम है जो यहाँ के ऑनर ने उठाया है लोगों के लिए? निश्चित रूप से ये सही कदम नहीं, दिस इज द बेस्ट अप्रोच, बेस्ट स्टेप की जो ली गई है, क्योंकि मुंबई ड्रीम सिटी है, यहाँ पे हर सपना साकार होता है। ऐसा कहा जाता है कि मुंबई के रास्तों पे हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं, लेकिन हमारी दृष्टि वैसी चाहिए, मुंबई ड्रीम सिटी बोला जाता है इसे, चाहे कोई कितना भी बोले कि मुंबई के बाहर और फिल्म सिटी ये वो, हो सकता है नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मुंबई मुंबई है, मुंबई की बराबरी कोई नहीं कर सकता, दिस इज़ द मोस्ट रियल ट्रूथ। और इसीलिए बोल सकता हूँ कि अभी भी पहल करने वाले बहुत अच्छे लोग यहाँ हैं, और इतनी अच्छी पहल के कारण अंधेरी का नाम भी बड़ा होगा और मुंबई का तो होना ही है। तो ऐसा कोई केस आपके सामने हो जो एक सपना लेकर यहाँ मुंबई आता हो लेकिन उसे काफी परेशानियों का सामना, या फिर जिस तरह से पैसे को लेकर या फिर रहने को लेकर दिक्कत की वजह से अपने सपने साकार ना कर पाया हो और उसकी कुछ वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हो और वो आपके पास ऐसा कोई केस अगर आप शेयर करना चाहें? नहीं, निश्चित रूप से आते हैं ऐसे केसेस, क्योंकि मेरा जो 1.25 साल का यहाँ का एक्सपीरियंस है, कुछ स्ट्रगलर्स है जो कभी निराश भी होते हैं, लेकिन एक हमेशा बात बोली जाती है कि हम लोग जब परेशानी का सामना करते हैं तो उतने हम पावरफुल भी बनते हैं, क्योंकि हर संकट के बाद ही कहीं ना कहीं और पावर जनरेट कर सकते हैं हम लोग। डार्विन कहता था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसने स्ट्रगल करना सीखा है वो बड़ा होगा। आपने जितने भी बड़े बड़े नाम आप सभी ने देखे होंगे, सभी बड़े नाम बहुत छोटे तबके से भी आए हुए बहुत से लोग हैं। अमिताभ जी के बारे में आपको मालूम है, बहुत से लोगों के बारे में मालूम है, स्ट्रगल किया, इनिशियल स्टेज में जिसने स्ट्रगल किया वो सर्वाइव हुआ वहाँ पे, उसने बहुत अच्छी हाइट अटेन की है। तो इसीलिए स्ट्रगल के बारे में निश्चित रूप से बोल सकता हूँ, जिसने स्ट्रगल किया वो हीरे के समान बिल्कुल चमक के ऊपर आएगा। देवानंद जी, आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे बीबी हाउस के ऑनर? नमस्कार, मैं हमारे एरिया के ACB साहब सुनील बुंडे साहब का इधर स्वागत करता हूं, और विकी जी जो इन्होंने ऐसा एक जो कदम उठाया है और जैसे इन्होंने जनहित में जो ये जो काम कर रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में आप सब लोग जानते हैं कि 200 रुपया या 500 रुपये बहुत छोटी सी रकम होती है, बट जिसके पास वो नहीं होता है उसके लिए वो रकम बहुत बड़ी होती है, ठीक है। और उनके लिए उन्होंने एक ऐसा ही के लिया है कि बाबा ऐसे एक प्रीमियम जगह पे लोखंडवाला, जो आज मुंबई का वन ऑफ द प्रीमियम एरिया है, और जैसे कि यहाँ पर कई सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के बीच में उन्होंने एक न्यू कमर के लिए
मैं स्ट्रगलर नहीं कहूँगा, एक न्यू कमर, क्योंकि और न्यू कमर एंड अ फाइटर, उसको फाइटर जैसे संबोधित कर कहा जाएगा। वो न्यू कमर के लिए उन्होंने 99 रुपीज़ में उन्होंने ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब 99 रुपीज़ के अंदर रखा है। और उनकी जो सोच है और उनकी सोच के लिए मैं उनको और उनके पूरे परिवार को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे इस वर्सोवा विधानसभा में ऐसा एक चित्रपट, जो चित्रपट माया नगरी है, उसके लिए उन्होंने जो ये नया चीज़ खोला है उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ऐसा वो एक ने ऐसा बीबी हाउस का कई और ब्रांचेस खोले और बहुत जन को वो काम दे और आगे बहुत अच्छा काम करे, इसके लिए मेरी मन से शुभकामनाएं उनके लिए। मैं पार्टी तो पवार साहब का आशीर्वाद है हम सब पर। और मेरा पहले से एक ध्येय रहा है, एक सोच रहा है कि गरीबों का जो सेवा करता है, गरीब जैसे हमारे भगवत गीता में भी कहा है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, तो वैसे मैं इनका जब इनको मेरी जब जब ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर कहाँ इनको कुछ कहीं किधर कोई कठिनाई रहेगी, वहाँ पर मैं इनका ज़रूर साथ दूंगा और इनके हर सच्चे काम में मेरा साथ ज़रूर रहेगा। सर, बॉलीवुड में अगर बात करें तो जो स्ट्रगलर्स होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी जो है वो स्ट्रेस होता है, तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो इंतज़ाम किया गया है, जो एनवायरमेंट है यहाँ का, वो स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करेगा इन स्ट्रगलर्स के लिए? निश्चित रूप से मैं ये बोल सकता हूँ कि स्ट्रेस पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी इम्पैक्ट करता है, लेकिन स्ट्रेस बस्टर ये बहुत कम जगह पे स्ट्रेस बस्टर का काम किया जाता है। यहाँ पर आप कोई भी रूम में जाइए, आपको एक पॉजिटिविटी निश्चित रूप से नज़र आएगी, और सिर्फ चार दीवारों से पॉजिटिविटी नहीं आती है या स्ट्रेस बस्टर का काम चार दीवारें नहीं करती है, वहाँ पे कैसा एटमॉस्फियर हमने क्रिएट किया है, वहाँ पे कैसे लोग बसर करते हैं, वहाँ का मालिक कौन है, वहाँ का चलाने वाला जो व्यवस्थापन करने वाला कैसा है, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आई थिंक विकी ने जो किया है उसके चेहरे की तरफ आप एक बार देखिए, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो किसी को स्ट्रेस दे सकता है, वो पूरा का पूरा स्ट्रेस रिसीव करके उसे अलग तरह से कन्वर्ट करेगा। आइंस्टाइन कहते थे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आई एश्योर यू दैट दैट नेगेटिव एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव एनर्जी हियर। सबसे पहले तो मैं सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, देवा भाई का सर, कि आप लोग आए और आपने ब्लेसिंग्स मुझे दी। ये मेरे लिए सबसे बड़ी जो जीत है पहले दिन की वो ऑलरेडी हो गई है। और दूसरी चीज़, इसका आइडिया मेरे पास मार्च अप्रैल जब पूरा देश कोरोना से गुजर रहा था और हमारी जो महाराष्ट्र है, हमारी जो मुंबई इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित इससे हुई थी, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे, और यहाँ पर जो रहने का और जो खाने का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है दूसरे शहरों से। तो इस वजह से बहुत सारे लोग यहाँ से वापस चले गए, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी किया, बहुत सारे लोग यहाँ पर उनके जो पेरेंट्स उन्होंने वापस बुला लिया कि आप वहाँ पर नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और जब एक एक्टर जो बनने आता है, क्योंकि मैं खुद भी एक एक्टर हूँ, और जो वो बनने आता है और जो वापस जाता है बिना कुछ बने, तो उसकी जो तकलीफ़ है वो मैं महसूस कर सकता हूँ। और ठीक है, हम स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, बहुत तरह का स्ट्रगल होता है, लेकिन रहना खाना और अच्छे ऑडिशन देना, ये सबसे ज़्यादा एक एक्टर यहाँ पर फेस करता है। यहाँ पर अगर आप अंधेरी में लोखनवाला में कहीं जाएंगे रहने, तो आपको 1 BHK 30,000-40,000 रुपये का पड़ता है। वही सारी फैसिलिटी मैं उनको यहाँ पर 500 रुपये में दूंगा, एटलीस्ट मैं उनके रहने का और खाने का इंतज़ाम करूँगा, तो वो अपना स्ट्रगल अच्छे तरीके से यहाँ पर कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं उनको ट्राई करूँगा कि जो उनके ऑडिशंस हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन इसी घर के अंदर मिले कि कहाँ पर ऑडिशन हो रहे हैं, कहाँ पर उनको काम मिल सकता है। कास्टिंग डायरेक्टर्स को मैं यहाँ इन्वाइट करूँगा ताकि वो यहाँ पर आके ऑडिशन लें, रहने का उनको अरेंजमेंट मिलेगा, उनके एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर अरेंज किया जाएगा, उनके दिमाग को शांत करने के लिए इंडोर गेम्स हैं, नीचे उनको कैफ़े है कि वो आप मतलब कुछ भी अगर हुआ, बाहर उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ उनको यहीं मिलेगा, और वो भी बहुत लिमिटेड अमाउंट में। तो ये एक मेरा सपना था जो आज
पूरा हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये उन लोगों की हेल्प करेगा जो यहाँ पर एक्टर बनने आए हैं। तो विक्की जी, आपने एक अच्छी सोच के साथ इसे इसकी शुरुआत किया, इसकी ओपनिंग की गई है, लेकिन जहाँ देखा जाए कोरोना महामारी भी फैली हुई है, लोगों को एक दूरी बनाए रखने की जहाँ तक गाइडलाइंस बनाई गई है, उसका कितना ध्यान यहाँ पर दिया जा रहा है कि कोरोना महामारी से भी लोगों को बचा जाए? सबसे पहले तो जैसे ही हम लोग अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ एक हमारे एक सैनिटाइजर बाहर रखा जाएगा कि जो भी आएगा तो उसको सैनिटाइज किया जाए, और हमारा जो बेडरूम है अपने नीचे है उसको हर एक दो घंटे बाद या हर एक दो तीन घंटे बाद उसको सैनिटाइज किया जाएगा। फिर कोरोना की जो महामारी है, उम्मीद करते हैं कि शायद अभी कुछ दिनों में एक वैक्सीन आ जाएगी तो और ज़्यादा लोगों को उसकी जो मिलेगी सहूलियत वो। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर अगर किसी को पॉजिटिव या कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पास पास में वो हैं जहाँ पर हम खुद उनको पर्सनली जाके उनका ट्रीटमेंट करवाएंगे या फिर जो उनको ज़रूरत होगी वो हमको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, हालांकि लेट पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि टाइम नहीं मिला था, कॉन्सेप्ट कैसे माइंड में आया आपकी कि इस तरह का कुछ चीज़ शुरू करना चाहिए? और दूसरी चीज़ कि जो आप बता रहे हैं कि 500 रुपीज़ में उनको सारी फैसिलिटीज देने की बात कर रहे हैं, तो जो लॉस है वो कैसे बेयर करेंगे? नहीं, मैं पहले दिन लॉस तो इसमें नहीं होगा क्योंकि मैं इन चीज़ों को देख के ही मैंने ये सब प्लान किया है। हम अगर उनसे 500 का बेड का चार्ज करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं, लेकिन बाहर से जैसे अगर किसी को ऑडिशन के लिए रूम चाहिए तो वो हम प्रोवाइड करेंगे, बाहर कैफे है वो बाकी लोगों के लिए भी ओपन है, जो यहाँ पर लोकल लोग रहेंगे या फिर जो बाहर से आएंगे उनके लिए भी वो है, तो उससे हम अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा करके निकालेंगे। तो लॉस तो नहीं होगा, बट ये है कि शुरू में अगर प्रॉफिट नहीं भी होगा लेकिन उनकी दुआएं ज़रूर मिलेंगी मुझे। और ये कॉन्सेप्ट के बारे में क्या है? कॉन्सेप्ट ये मैं सीज़न 9 का रोडीज़ विनर हूँ, MTV पे एक शो आता है हमारे देश का दूसरे नंबर का, तो मेरा एक इच्छा थी कि मैं बिग बॉस हाउस में जाऊँ, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ 2-3 साल से पर नहीं जा पाया। उसी के नाम पे बीबी हाउस, बट ये बॉलीवुड हाउस है जहाँ पर पूरा बॉलीवुड एक रहेगा, जहाँ पर जो एक्टर बनने आएगा, जो कोरियोग्राफर बनने आएगा, जो कुछ भी बॉलीवुड से रिलेटेड लोग आएंगे वो यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं, यहाँ खा सकते हैं। तो वो एक कॉन्सेप्ट था कि एक छत के नीचे उन्हें सब चीज़ें मिलें, उनको भटकना ना पड़े। अगर वो बॉम्बे उतरते हैं ट्रेन से तो उनको पता होगा कि हम बीबी हाउस जाएंगे, वहाँ हमें सब कुछ मिलेगा। तो ये इसके पीछे की सोच थी। काम की गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता है, हम उनको उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचा देंगे, बाकी उनकी मेहनत, उनका नसीब और उनका टैलेंट उनको आगे लेके जाएगा। विक्की जी, ऐसे तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, एक किशोर है। नहीं, ये एक्टिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक्टिंग इंस्टीट्यूट नहीं है यहाँ पर कुछ। यहाँ पर जैसे एक लड़के के पास उसके माँ बाप बोलते कि बेटा हमारे पास सिर्फ एक महीने के 20,000 रुपये हम तुझे दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब वो 20,000 में सिर्फ रहेगा या खाएगा या फिर वो ऑडिशन देने जाएगा या वो जिम करेगा या प्रोटीन करेगा, तो वो चीज़ें उसको यहाँ पर 20,000 के बदले 5,000-6,000 रुपये में हम प्रोवाइड करा के देंगे। उनका स्ट्रगल बाहर का वो अलग है, उनके अंदर टैलेंट है, अगर वो अच्छे अभिनेता हैं तो उनको बाहर काम मिलेगा और फिर वो यहाँ से निकल के अपना खुद का फ्लैट जो है वो अपने टैलेंट के दम पर ले सकते हैं जाके। बट कि उनको हम काम दिलाएंगे ये हम प्रॉमिस ये चीज़ नहीं करते। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई इंस्टीट्यूट या कोई ट्रेनिंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनको इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग है तो उसके साथ मैंने टाई अप किया है, रोशन तनेजा है, अनुपम खेर जी का है, उनके साथ हमारा टाई अप है कि अगर उनको यहाँ पर लगेगा कि उन्हें एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तो उनको वहाँ पे अच्छा डिस्काउंट दिलवा सकते हैं। ओके जी, और आपको कैसे लगा कि मुझे बिग बॉस में जाना है? क्यों लगा ऐसा कि मुझे बिग बॉस में जाना? मैं मतलब फैन हूँ बिग बॉस का और मैं रियलिटी शो कर चुका हूँ 2-3, तो कहीं ना कहीं अंदरूनी ये है कि मैं जाऊँगा तो मुझे थोड़ा मेरे करियर के लिए भी अच्छा होगा आगे के लिए, बट वो नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, मैं ये बीबी हाउस को उससे ज़्यादा बड़ा बना के दिखाऊंगा। बीबी हाउस सेकंड की ओपनिंग जल्दी की जाएगी। इसमें थोड़ा सा ऐड मैं इतना ही कर सकता हूँ, ये तो विकी का बड़प्पन है कि उसने जो बोला कि मैं गारंटी हर आगे की नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आपने यहाँ का माहौल देखा होगा, यहाँ पे जो दीवार पे लगे हुए जो स्लोगन्स है सभी देखे होंगे, देर इज़ ओनली पॉजिटिवनेस हियर। यहाँ पे रहने वाला आदमी इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करेगा कि निश्चित रूप से वो बाहर की जगत में भी कामयाब होंगे। साहब, आपकी ये क्षेत्र, कार्य क्षेत्र है आपका जी, और क्राइम भी बहुत सारा होता है, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों?
बहुत अच्छा वातावरण है मेरे हिसाब से। मैंने देखा है मुंबई इज सेफ फॉर वुमेन्स, यहाँ का वातावरण और बाकी जगह का वातावरण, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैंने महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे काम किया, लेकिन मुंबई इज़ मुंबई। लेकिन एक बात निश्चित है कि यहाँ पे एक दूसरे के पैर खींचने की इच्छा शक्ति लोगों में नहीं है, यहाँ पे एक दूसरे को कहीं ना कहीं हाथ पकड़ के आगे लेके जाने की तमन्ना रखने वाले लोग हैं, और वही मैंने विकी में देखा, इसीलिए आया हूँ। नॉर्मली मैं कोई ऐसे प्रोग्राम में जाने के पहले 10 बार सोचता हूँ, लेकिन ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, दैट्स व्हाई आई एम हियर। महाराजा छत्रसाल जो इनके पिता थे एक गुजरात के, तो वहाँ वो वाली वेब सीरीज में मैंने उनके बड़े बेटे का जो है वो रोल अदा किया है, और बाकी एड शूट भी मैं करता रहा, बट वो मेरा पैशन है, साइड में करता रहता हूँ, बट ये भी ज़रूरी है कि जो दूसरे लोग हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए मैं कुछ करूँगा। ये बेसिकली बीबी हाउस ये वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जो एक आदमी बाहर से आता है उनको एक एक्टर बनना है, एक राइटर बनना है, एक सिंगर बनना है, बीबी हाउस विल बी वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पर वो एक ही जगह पर रह के उसको सारे कॉन्टैक्ट्स मिल रहे हैं। वो वहाँ पर उसका खाना भी हो रहा है, उसका सोना भी हो रहा है, उसको इंडस्ट्री में जितने कॉन्टैक्ट्स चाहिए, प्रॉपर कॉन्टैक्ट जो चाहिए बेसिकली, वो मिलेगा उसको। और जैसे आपने सबने सुना रहेगा कि हर इंडस्ट्री में छोटा मोटा चीटिंग होते रहता है, यहाँ पर उसको प्योर कॉन्टैक्ट्स मिलेगा कि बाबा हाँ यहाँ पर तुझे तेरा टैलेंट ये है, तो यू इधर एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा उसको, एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि ये जगह पर तुम अप्रोच करोगे तुम्हारा ये टैलेंट यहाँ पर काम आएगा। तो विक्की भाई ने जो ये वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो बना के रखा है बीबी हाउस को, जो कि आगे जाके बीबी हाउस वन, बीबी हाउस टू, ऐसा मैं आई विश के ऐसा बीबी आउट 100 का एक इंटरव्यू भी हम लोग ऐसे साथ में कभी दे। इसके अलावा कोई प्रोड्यूसर बनने आया तो उसको भी रहने की जगह दे सकते हैं एनीबॉडी या ओनली स्ट्रगलर, मतलब दिल्ली का मतलब ये है एवरीवन इज वेलकम अंडर आवर रूफ, क्योंकि अदर साइड से भी लोग आ सकते हैं कि चलो यहां सस्ता रहने के लिए, सब 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 के लिए। दादा थैंक यू।